Hey, what is up guys? Welcome back to my channel. So, आज मैं बताऊंगा ग्रूमिंग हैक्स या ग्रूमिंग टिप्स भी आप बोल सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। छोटी छोटी चीजें हैं और सिर्फ 5 मिनट बताऊंगा। ये ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा, तो टिक जाओ और कुछ सीख के जाना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, नेल कटर्स। जी हाँ, अगर आपके नाखून गंदे हैं, अगर आपके नाखून साफ नहीं रहते हैं, ये बहुत ही गंदा बैड इंप्रेशन पड़ेंगे लोगों पे। तो प्लीज आप इन सारी चीजों को, इन पांचों मतलब इन दसों, इन बीसों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आपको नेल कटिंग हमेशा करना है। बेस्ट टाइम नेल कटिंग करने का है कि आप जब भी शॉवर से आओ, मतलब जब भी आप नहा के आओ, तो आप नेल कट कर सकते हो, क्योंकि उस समय इजीली हो जाएगा, उस समय आपकी नेल सॉफ्ट हो जाती है। अपने हाथों को क्लियर रखो यार, गंदे करके नहीं रखना है, नेल को अच्छे तरीके से कट करके रखना है, नहीं तो काली काली आ जाएगी, कोई देखेगा भी नहीं। सो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। टिप नंबर 2, पाउडर योर बॉल्स। बॉल्स में ज्यादा पसीना आएगा तो इचीनेस होगा, इचीनेस आएगा तो आप अनकंफर्टेबल होगे, तो आप अपनी बॉल्स को हमेशा पाउडर रखो। अगर आप पार्टी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखो। पाउडर अच्छी वाली कोई कंपनी का यूज करना। मैं यहां पे आपको पॉन्ड्स दिखाया हूं क्योंकि मैं कभी कभी यही यूज करता हूं, आप कोई सभी कंपनी यूज कर सकते हो। टिप नंबर 3, डिओड्रेंट। अगर आप कहीं जा रहे हो तो डिओड्रेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी पर्सनैलिटी को अलग कर देगी, आपको लोगों में से अलग रखेगी। आप एक अच्छे सा डिओड्रेंट या फिर कोई परफ्यूम हमेशा अप्लाई करो जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो। मैं यहाँ पे वाइल्ड स्टोन की यूज कर रहा हूँ, ये मेरी फेवरेट है। आप कोई सा भी कंपनी की यूज कर सकते हो, बट हमेशा याद रखना, लुकिंग गुड इज इंपॉर्टेंट बट स्मेलिंग गुड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टिप नंबर 4, ग्रूम योर बियर्ड। ब्रो, बियर्ड बढ़ा रहे हो, नहीं बढ़ रही है, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, ऊपर आई बटन है, आप जाके चेकआउट कर लो किस तरीके से बियर्ड बढ़ाए। अगर आपके बियर्ड बढ़ चुकी है तो प्लीज अपने बियर्ड को ग्रूम रखो। ग्रूम नहीं रखोगे, मैसिव बियर्ड रहेगी तो आपकी सारी पर्सनैलिटी खत्म हो जाएगी। सो प्लीज अपने बियर्ड को ग्रूम रखो हमेशा, और याद रखना जब भी आप ग्रूम रखो तो अपने नेक एरिया को यहाँ पे सेव करना है, जिससे आप ज्यादा क्लीन दिखो। नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नेक वाली एरिया पे ज्यादा हेयर होते हैं, आप लोगों में से बहुत ही लोगों के होते होंगे और बहुत लोगों के नहीं होते होंगे, मेरे भी कभी कभी होते थे। जब भी मैं बार्बर शॉप में आता हूं या जब भी आप बार्बर शॉप में जाओ, तो उनको बताया करो कि याद से ये वाली एरिया को क्लीन रखना। अगर नहीं आप जा रहे हो तो घर पे भी आप किसी को भी बोलो ये वाली एरिया को सेव कर देने, जिससे आप क्लीन दिखो, मैसी लुक नहीं होगा और आप ज्यादा स्टाइलिस्ट दिख सकते हो। और गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये 5 चीजें हैं जो आपको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो, ये सारी चीजों को इग्नोर कर रहे हो तो अभी ऐड करो और अपने आप को ग्रूम्ड कर लो अच्छे तरीके से। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा मजेदार कॉन्टेंट मैं लाता रहता हूँ। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ज्यादा ही पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले टॉपिक में, सी यू अगेन, बाय बाय, पीस, फिट रहो फिट दिखो।